ग्राम कुआं में हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप वाहन के पलटने से एक की मौत, 9 लोग घायल। सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम कुआं में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कि पिकअप वाहन में सवार लगभग 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई तो वहीं अन्य लोग घायल हो गए हैं। पिकअप वाहन शादी समारोह में सीधी गया हुआ था, जहां से वापस ग्राम सुपिया के लिए रोड लाइट व जनरेटर सहित अन्य सामान लेकर मजदूरों के साथ वापस आ रहा था। इसी दौरान वाहन चालक की लापरवाही के कारण ग्राम कुआं में पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस 108 को सूचित किया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एम्बुलेंस 108 पहुंची और वहां से घायलों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती कराया। एम्बुलेंस 108 के EMT कृष्णपाल शुक्ला ने जानकारी देकर बताया कि पिकअप वाहन का चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में एक 15 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं 9 अन्य लोग घायल अवस्था में चुरहट स्थित स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराए गए थे, जिन्हें बाद में रीवा के लिए रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस 108 के EMT कृष्णपाल शुक्ला ने बताया है कि पिकअप वाहन का चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। मामले की सूचना चुरहट पुलिस को भी दी गई, जिस पर चुरहट थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया एवं पंचनामा तैयार करते हुए मर्ग कायम किया। वह शव परीक्षण है तो शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में ले जाकर शव परीक्षण कराया है। हालांकि घटना के बाद से ही चुरहट पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिस वाहन से सड़क दुर्घटना हुई उस पिकअप वाहन का वाहन क्रमांक MP17L2061 बताया जा रहा है। घटना सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम कुआं में हुई है।